प्रोसेस है। बिल्कुल चल। सबसे पहले क्या करना पड़ता है सर? सबसे पहले आपको एक फ्री फार्म मार्केट से खरीदना होगा। ये फ्री फार्म होता है जिसमें हम बॉटल बनाते हैं अपना। अच्छा, ये मार्केट से खरीदना पड़ेगा? जी बिल्कुल, रॉ मटेरियल हमारे यही होता है। ये बॉटल बनाने का रॉ मटेरियल यही है? ये इससे सर आप एक बॉटल बना सकते हैं इसी मशीन। सही सुन पा रहा हूँ? एकदम बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। ये है इसकी प्रोसेसर, ये हमारी ब्लोअर मशीन है जी जी, जिसमें देखिए ये लगे हुए हैं। एक एक कैप्सूल जा रहा है, यहाँ से हीट होकर के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप इधर आइए, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारी बॉटल बन रही है। अच्छा, ये मैम लगा रही है? हाँ, ये मैम बना रही है। मैम जरा एक बार हमको दिखा के लगाइए। अच्छा, ये लगा रहे हैं, जगह लगाइए। ये है, ये आपका बॉटल बन गया। मैम लगा दिया। अब जो सर बॉटल निकल रहा है वो जरा हमको दिखाइए। ये बॉटल है, एक बॉटल बन के निकल गया। अरे वाह जी सर, बहुत ठीक है। अब इस बॉटल को जी, ये बॉटल आपकी तैयार है? ये बॉटल तैयार हो गया, एकदम तैयार है। बाकी का जो प्रोसेस होता है हम आगे आपको। बिल्कुल, अच्छा ये मैम बॉटल लगा रही हैं। हाँ, यहाँ से देखिए ये बॉटल लगा अच्छा, रही है। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये तो अपने आप चला जा रहा है सर। हाँ, यही जब फाइनल आएगा इसमें। अच्छा, इसमें जो कैप लगाना है अलग से लगाना कि इसमें लग जाएगा ऑटोमेटिक? अच्छा, कैप भी ऑटोमेटिक लग जाएगा? अच्छा जी। अच्छा, ये कैप लग के आ रहा है? बहुत। कितना प्रोडक्शन इसका होता होगा सर? एक दिन में कितने बॉटल निकालते होंगे? सर पर आवर जो है 200 पेटी देगा। 200 पेटी एक आवर में? अच्छा जी। तो सर देखिए, जैसा कि अब हमारा फाइनल बॉटल जा रहा है जी सर, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेबल लगेगा। लेबलर मशीन से देखिए, यहाँ पे लेबल लग गया। जैसे ही मशीन गई, लेबल अच्छा, लग गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी देखेंगे इसको घुमा करके, यहाँ पे लेबल लग गया है सारी मशीनों को। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए, ऐसे करके ये लोग मतलब पैकिंग होती ये है, पैकिंग कर रहे हैं। हाँ, पैकिंग का प्रोसेस देखिए चालू। नमस्कार साथियों, मैं संजय गुप्ता बिजनेस आइडिया के नए एपिसोड में एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों जानते हैं, मैं जब भी आता हूं एक नए बिजनेस आइडिया की तलाश में आता हूं। आज ही तलाश में आपको एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा रोजगार बताएंगे, दिखाएंगे जो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत करने का आज एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी फैक्ट्री विजिट करा रहा हूँ जहाँ आपको हाथ पकड़ के बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े मैन पावर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको एक बड़ी फैक्ट्री लगाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको ये बिजनेस शुरू करना होगा। अपने घर से, अपने शहर से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 5 का बनाएं, 20 का बेचें। सही सुन पा रहे हैं? 5 का बनाएं, 20 का बेचें। एक ऐसा बिजनेस है, आज हम जानेंगे ये कौन सा बिजनेस है जो 5 का बनाएं और 20 का बेचा जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी 1 by 1 करके बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे साथ में। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर देखिए, आपके कंपनी आज मैं चल के आ चुका हूँ। मेरे साथी को एक छोटे से परिचय दीजिए कि आपका क्या नाम है, आपके कंपनी का क्या नाम है और ये कंपनी कहाँ पर है सर? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वरुण पांडे, मेरे फर्म का नाम है फ्रेस्को एक्वा सॉल्यूशन। हमारी कंपनी वाराणसी में सिगरा में है। अच्छा जी। और हम लोग ये काम लगभग आज 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से जी। हम लोग हर प्रकार के छोटे से लेके बड़े सारे मतलब कमर्शियल आरओ प्लांट और 1 लीटर की बॉटलिंग प्लांट सारे मशीनों का अच्छा हम लोग करते हैं सर। मतलब आपकी जो कंपनी है सर, वो आरओ प्लांट से संबंधित काम करती है? जी, पूरा टोटल वाटर सोल्यूशन, चाहे कमर्शियल हो
चाहे इंडस्ट्रियल हो, सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत अच्छा। तो सर जो मशीन आप बनाते हैं कितने प्रकार की मशीन इसमें लगभग आता होगा? जैसे सर अगर हम लोग वैसे नॉर्मल जो प्लांट बनाते हैं वो तो हम लोग 1,000-2,000 लीटर के प्लांट बनाते हैं। अच्छा जी। लेकिन जो हम लोग बॉटलिंग प्लांट पे काम करते हैं वो हमारी सबसे जो मिनिमम होती है 24 BPM की मशीन होती है। अच्छा, जिसमें हम लोग 1 मिनट में 24 बॉटल बनाने वाली मशीन होती है। बहुत। जो आज हम बात करेंगे सर इसमें, हमने पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, तो आज जो हम बात करेंगे कितने बॉटलिंग पे बात करेंगे या पर्सनल आरओ होता है उस पर बात? नहीं, हम लोग आज के ट्रिप में हम लोग सिर्फ अपना ये जो बॉटलिंग प्लांट है उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी। जी तो ये जो मैं बॉटल देख रहा हूँ सर, जरा एक मुझे दीजिएगा। जी साथियों, इस तरह का बॉटल बनाने के से लेके पानी भरने तक, उसको पैकिंग करने तक और इसकी मार्केटिंग कैसे किया जा सकता है, सर भी इसके बारे में नॉलेज देंगे थोड़ा बहुत आपको। तो इसका बिजनेस कैसे शुरुआत कर सकते हैं, और जानते हैं सबसे ज़्यादा डिमांड है, पानी जो बेच लिया वो कुछ भी बेच सकता है साथियों, और पानी ऐसी चीज़ है कि कहीं भी बिक सकता है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर कि मान लीजिए ये कोई प्लांट लगाना चाहता है, ठीक है, तो क्या उसका बेनिफिट है पहले ये बताइए सर। देखिए अगर कोई प्लांट लगाना चाहता है, जैसे हम लोग मान लीजिए ये 1 लीटर की हमारी बॉटलिंग, मतलब 1 लीटर का हमारा बॉटल है जो मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला है। जी जी। किसी भी दुकान पे जाएंगे सबसे पहले लोग 1 लीटर का ही पानी लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। 1 लीटर का बॉटल हमारा सबसे, 1 लीटर बॉटल पानी बनाने में लगभग सर हमारे जो 4 से 5 रुपए की कॉस्टिंग आती है। अच्छा। और बड़े आराम से मार्केट में भाई डीलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को लोग सेल करेंगे। जी जी। वैसे इन पॉइंट से इसका रेट 20 रुपए होता है। 20 रुपए ये तो खुला रेट है कि 20 रुपए पानी बिकता है, इसको किसी को बताने की जरूरत, किसी को बताने। बाकी जो बना के ये तैयार होता है वो 4 से 5 रुपए में, 4 से 5 रुपए में बॉटल आपको पूरा ओके करके दे दिया, ओके करके दे दिया जाएगा। तो सर मान लीजिए अब इसका कोई प्लांट लगाना चाहता हो, कोई भाई इसका बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो इसका डिमांड तो बहुत है, तो मैं भी देख पा रहा हूँ। जी तो बताइए क्या प्रोसेस है, कैसे वो अपना प्लांट शुरू कर सकता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा सर? देखिए सर सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मिनिमम हमारी जो होती है 24 BPM की मशीन आती है। अच्छा। जिसमें हम 2,000 लीटर का आरओ प्लांट रहेगा। जी जी। और उसी के साथ में आपका 24 बॉटल पर मिनट की हमारी RFC मशीन होती है। RFC क्या होता है सर? ये रिलिंग फिलिंग कैपिंग, जिसमें हमारे जो पानी का बॉटल होता है जी जी वो धुलाई होती है, वो फिल होती है, और उसी में उसका ये जो कैप है कैपिंग भी होती है। एक ही मशीन से? एक ही मशीन में तीनों काम होंगे। अच्छा जी ठीक है। फिर उसके बाद से मतलब ये जो उसकी कॉस्ट होगी जिस मशीन की 24 BPM की, मिनिमम सर 20 लाख रुपए होती है सर। 20 लाख रुपए स्टार्ट किया जा सकता है। और अच्छा, तो आज हम सर चाहेंगे कि आपका कहना भी था कि मैं कोई प्लांट विजिट कराऊंगा जी, कि वो प्लांट में हम ये भी देखें क्या प्रोसेस है, कैसे काम होता है, कितने लेबर काम कर रहे हैं, कितना एरिया उसके लिए चाहिए, कौन सा बिजली चाहिए। तो हम चाहेंगे कि एक बार मुझे प्लांट पे ले चलिए और वन बाय वन करके समझाइए और दिखाइए कि आदमी कैसे अपना बिजनेस शुरू करे। बिल्कुल सर, चलिए हम आपको एक एक प्लांट से मतलब सारे चीज़ों के बारे में बता देंगे, कहाँ से शुरू होता है जी जी। और फाइनल कहाँ पे आपका प्रोडक्शन निकल के आता है, वहाँ तक की सारी चीज़ें हम आपको दिखा देंगे। सर एक बात हो, ये जो बोतल बनाने और ये जो बॉटल बनाने का प्रोसेस है ये भी उसी प्लांट में दिखेगा हमको? जी बिल्कुल सर, इसमें आपको सिर्फ एक प्रीफॉर्म आता है, उसको खरीद करके हम इसको इस बॉटल को तैयार कर सकते हैं। यहीं पे सारी चीजें होंगी, आपको बाहर से कुछ लाने के, सिर्फ आपको बाहर से रॉ मटेरियल जो प्रीफॉर्म होता है जी वो लाना, वो लाना है, बाकी सारी चीजें आप अपने एक छत के नीचे सारा चीजें कर सकते हैं। तो सर मैं भी देखना चाहूँगा कि कैसी फैक्ट्री है, और मैं पहली बार ये विजिट करूँगा ऐसी फैक्ट्री, आप सौजन्य से की एक बात ही क्यों समझते हैं। बिल्कुल सर, आइए देखते हैं। अब मैं फैक्ट्री से सर आ गया हूँ, अब मुझे बताइए वन बाय वन करके क्या प्रोसेस है। बिल्कुल चलिए। सबसे पहले क्या करना पड़ता है सर? सबसे पहले आपको एक प्रीफॉर्म मार्केट से खरीदना होगा। अच्छा, ये प्रीफॉर्म होता है जिसमें हम बॉटल बनाते हैं अपना। अच्छा, ये मार्केट से खरीदना पड़ेगा? जी बिल्कुल, रॉ मटेरियल हमारे यही होता है। ये बॉटल बनाने का रॉ मटेरियल यही है? ये इसे सर आप और एक से आप एक बॉटल बना सकते हैं इसी मशीन से। सही सुन पा रहा हूँ? एकदम बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। ये है इसकी प्रोसेस, ये हमारी ब्लोअर मशीन है जी, जिसमें देखिए ये लगे हुए हैं, एक एक कैप्सूल जा रहा है, यहाँ से हीट होकर के आ रहा है ठीक है। और यहाँ पे आप इधर आइए, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारी बॉटल बन रही है। अच्छा, ये मैम लगा रही है? हाँ, ये मैम लगा रही है। मैम जरा एक बार हमको दिखा के लगाइए। अच्छा, ये लगा रहे हैं, जगह लगाइए। ये है, ये आपका बॉटल बन गया। मैम लगा दिया। अब जो सर बॉटल निकल रहा है वो जरा हमको दिखाइए। ये बॉटल है,
एक ऑर्डर बन के निकल गया। अरे वाह जी सर, बहुत ठीक है। अब इस बॉटल को जी, ये बॉटल आपकी तैयार है, ये बॉटल तैयार हो गया, एकदम तैयार है। बाकी का जो प्रोसेस होता है हम आगे आपको बिल्कुल। सर अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? सर नेक्स्ट प्रोसेस में सर ये हमारा आरओ प्लांट है। अच्छा जी, ये हमारा 4000 लीटर का आरओ प्लांट है जिससे हम पानी को फिल्टर करेंगे। अच्छा, फिल्टर करने के बाद आगे बढ़े आइए आप। ये हमारा कंट्रोल पैनल है। अच्छा जी, जिससे हम लोग पूरा मतलब प्लांट को ऑपरेट करते हैं। जी जी, ये हमारी क्या देखिए सर, ऊपर दिखा, ये हमारा ओजोनेशन है। अच्छा जी, जो पानी में ओजोनेशन होता है। जी जी, ओजोन करके फिर हम लोग इस पानी में ये स्टोरेज टैंक है, इसे पानी हम स्टोर करते हैं। ये कितने लीटर का टैंक है सर? ये 4000 लीटर का टैंक है। ये भी 4000 लीटर का टैंक है सर। ये सब हमको लग रहा है सर SS बॉडी में ना? SS 304 ग्रेड की है सर। अच्छा, 304 कोई अलग से ग्रेड आता है सर? स्टील की भी ग्रेड होती है, 202 में सर थोड़ा जंग वगैरह लग जाता है। अच्छा, सबसे हाई ग्रेड की है जिसमें हम लोग जंग नहीं लगेगा सर। फिर इसके बाद ये देखिए, ये हमारा पाइपलाइन है, ये भी SS 304 ग्रेड का है। जी जी, ये हमारा ट्रांसफर पंप है। अच्छा, इस पाइपलाइन के माध्यम से पानी को हम लेकर के आते हैं अपने मतलब इस RFT मशीन में। ठीक है, यहाँ पे ये बॉटल जो है जी, इस बॉटल को इस इन कन्वेयर के माध्यम से हम इस RFT मशीन में अपने ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, पूरी बॉटल जो है इसी मशीन के अंदर मतलब फिल भी होती है, धुलाई भी होती है, फिल भी होती है और कैपिंग भी होती है। अच्छा, सारी चीज़ें कैप होकर प्रोसेस होने के बाद फिर ये कन्वेयर के साथ बाहर निकलती है। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ से निकलती है। यहाँ पे हमारा लेबलर है। जी जी, जो भाई जिसका भी जो भी ब्रांड होगा, हाँ हाँ, अपने ब्रांड से देखिए ये लेबल है, लेबलर होती है। यहाँ पे आने के बाद बॉटल के अंदर लेबल लगता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब लेबलर होती है। यहाँ पे हमारी बैच कोटिंग मशीन है। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे जो बॉटल जब तैयार होती है जी जी जी, तो यहाँ पे जो ये बैच लगता है वो लगाने का काम हमारी ये मशीन करती है। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ से फिर प्रोसेस होकर हमारा पूरा पानी आता है। ये हमारी श्रिंक मशीन है। अच्छा जी, जिसमें हम पानी को यहाँ पे देख सकते हैं जी, मतलब जी, एक बॉक्स बनाने का पूरा प्रोसेस जो होता है। अच्छा, वो यहाँ होता है। फिर इसके बाद से ये पूरा पैकिंग होकर के आपका बॉक्स जो है यहाँ पे निकल जाती है, जो भी मतलब 250 ml, 500 ml, 1 लीटर का सारा मतलब इसमें एक बॉक्स बना करके यहाँ पे निकलता है। यहाँ के बाद आप अपने मतलब जो भी लेबर लगेगा ये सारा मतलब आपका पानी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से इसको आप आगे अपना मार्केट में सप्लाई करिए, जो भी है सारी चीज़ें किया जाए। आपने मुझे 1x1 करके बता दिए कि 1 लीटर, आधे लीटर के कैसे प्रोसेस है जी, कैसे चलता है मशीन, मैं देख पाया हूँ। तो मान लीजिए सर, अभी कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई साथी जुड़ना चाहता है, कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? सर हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, उसी नंबर पे वो फोन करेंगे। अच्छा, और आकर के जो है हम मतलब बाकी जो सारी चीज़ें, अगर एक बार मीटिंग होगी सारी डिटेल में उनको बता देंगे, सारी व्यवस्था उनको बता दिया जाएगा। जितनी साथियों, आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा बोर्ड लाइन पर, सिर्फ आपको कॉल करने की जरूरत है। एक कॉल करिए और सबसे समझिए ये बिजनेस कैसे किया जा सकता है। 5 का बनाएं और कम से कम 10 का बेच सकते हैं आप। कहीं 50% आपको मार्जिन है तो 50% रिटेलर को भी मार्जिन है। बिल्कुल सर। और ये प्लांट सर मान लीजिए आपने बताया 20 लाख में लगाना चाहते हैं। मिनिमम जो हमारी सबसे जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वो 20 लाख की होती। अच्छा, है इसके लिए जगह होगा, स्पेस कितनी जरूरत पड़ेगा सर? इसके लिए कम से कम 2700 स्क्वायर फीट की, 2800 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए मिनिमम सर। चाहिए मिनिमम चाहिए जी। और एक बोर कराना होगा, बोरिंग की जरूरत होगी। अच्छा जी, बोरिंग चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए। अच्छा, और जगह चाहिए। ये तीन चीज तो मस्ट, तीन चीज मस्ट है। बाकी मशीन लाने का काम मेरा है आपका है। तो इस मशीन के क्या कोई वारंटी गारंटी भी देते हैं सर? सर 1 साल की वारंटी देते हैं सर इस मशीन के। जी, पूरे कंप्लीट, पूरा कंप्लीट 1 साल की वारंटी विद सर्विस। अच्छा, और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ सर, जो आप प्लांट आए हैं वहाँ मैंने देखा कि 5-7 लेबर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जो लेबर होते हैं क्या वो स्किल लेबर होते हैं या गांव से भी उसको लेबर ला के उसको ऑपरेटर बताना पड़ता है? एक ऑपरेटर रहेगा। वो ऑपरेटर कहाँ से प्रोवाइड? वो ऑपरेटर हम उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, आप उपलब्ध करा देंगे। उसका जो कॉस्ट होगा जी जी, वो जो लगाएगा उनको देना होगा, जो भी मतलब उसका होगा। अच्छा, बाकी जितने आपके जो लेबर हैं जी, वो आप अपने लोकल लेबर से लेकर के उसको काम करा सकते हैं। मतलब आप 5-7 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं ये बिजनेस शुरू कर सर? बिल्कुल एकदम, 5-7 लोगों को रोजगार दे देंगे। सबसे बड़ी बात है कि भाई हम लोगों का जो काम है लोगों तक शुद्ध जल पहुंचाना। बिल्कुल, इसमें पैसा भी कमाइए पुण्य भी कमाइए। कितने परसेंट जो है सर शुद्ध जल होगा?
100% शुद्ध जल है सर, उसमें कोई मिलावटी नहीं। बिल्कुल सर, ये सर ये जो जैसे क्या है कि रेल नील पानी होता है और एक बिस्लरी होता है, उसी के टक्कर का है ये ना? बिल्कुल सर, उसी टक्कर का। देखिए ये सब जो है ना BIS का जो स्टैंडर्ड होता है उससे पास होकर के पानी आता है, ठीक है। और इसमें ये पानी का लैब में इसकी पूरी जांच होती है, जो हम लैब भी उपलब्ध कराएंगे आपको, जो भी लगाएगा उसको हम लेबोरेटरी देंगे पूरा। बिल्कुल हाँ, पता चला कि इतना बड़ा प्लांट कोई लगा ले 20 लाख का और फिर उसको ये पास ही ना हो पाए। सर इसमें हम उनको लैब से संबंधित, फिर उनको जो भी लाइसेंस से संबंधित सारी सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे। अच्छा, लाइसेंस का जो भी कॉस्ट रहेगा हम मतलब इसमें नहीं है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, लेकिन वो हम सारा हेल्प करेंगे उनको। लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, लैब में कैसे इसका प्रोसेसिंग होगा, ये कैसे पास किया जाएगा, ये सब कंप्लीट काम आपका होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम खाली प्लांट लगा देंगे, बाकी के लिए उनको पर्सनल एक यहाँ पे आएंगे, हम उनको सारी व्यवस्था देंगे किसी भी प्रकार की। तो सर कोई आपके यहाँ आता है तो क्या कोई आप सर्वे वर्वे भी करते हैं उसके यहाँ जाके कि यहाँ ये बिजनेस इस जगह लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, कुछ ऐसा करते हैं या नहीं करते? देखिए जैसा कि ये बिजनेस आपने बताया कि 20 लाख रुपए, 20 लाख 25 लाख रुपए बड़ी अमाउंट, बड़ी है, तो कोई अगर 20 लाख लगाएगा तो ना तो एक बार में मैं उससे ले लूँगा ना तो मुझे एक बार में दे देगा। बिल्कुल, सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में हम जाएंगे उनकी जगह साइट विजिट करेंगे। अच्छा, कहाँ पे उनको कंस्ट्रक्शन अगर कराना है, कैसे कराना है, उनको एक लेआउट उपलब्ध कराएंगे, कहाँ वो बोरिंग कराएंगे, कहाँ पे उनको फिलर मशीन रखनी है, कहाँ पे उनको लैब रखना है, ये सारी चीज़ें हम उनको एक सिस्टमेटिक बताएंगे। अच्छा, अनसिस्टमेटिक करेंगे तो शायद उनको लाइसेंस लेने में भी दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक समझाते हैं। उसके लिए हमारी टीम जाती है, एक डेडिकेटेड टीम है हमारे पास। अच्छा, जो सिर्फ जा करके हमारे पास टेक्निकल टीम है, हमारे पास मतलब जो उनकी लैब वगैरह से रिलेटेड टीम है, वो हमारी टीम है, हम लोग एक डेडिकेटेड टीम के साथ काम करते हैं। तो उनको सारी चीज़ें हम लोग उपलब्ध कराएंगे, हर प्रकार की सुविधा देंगे, चाहे वो उनको लाइसेंस से संबंधित हो, चाहे उनको कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो, चाहे उनको बिजली से संबंधित हो, जो भी होगा हम बताएंगे उनको, ठीक है। देखना साथियों, सर ने बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आज के समय में सबसे ज्यादा किसी का डिमांड तो इस पानी का है, और ये बिजनेस ऐसा है कि एक बार सिर्फ लगाना है। हाँ। इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग रोज नया चीज ले आओ, नई चीज में पता चला कि आपका कंपटीटर कुछ और कर रहा था, आपको इसमें करना है, कुछ भी बदलाव की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की होती है सर, मान लीजिए रॉ मटेरियल जो होता है, इसके बाद जो फील इसमें करके प्रोडक्ट होता है वो एकदम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पानी जहाँ ग्राउंड से निकालना है, फिल्टर करके भेज देना उसको। ये बताइए पानी बेचना क्या मतलब है, पानी बेचना एकदम फ्री है आपका, पानी लीजिए बॉटल में भरिए उसको उतार के फिल कर दीजिए। बिल्कुल सर, चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप एक बेहतर एक अच्छा बिजनेस आइडिया मेरे साथियों को बताएं, थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद करता हूँ कि आपके लोगों को मैं सही सुविधा उपलब्ध करा सकूँ। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।